प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मजे में? तो आज हम करेंगे बड़ी ई की मात्रा के तीन अक्षर वाले शब्द। इससे पिछली वीडियो में हमने किया था दो अक्षर के बड़ी ई की मात्रा के शब्द चित्र के साथ, है ना? तो आज हम करेंगे बड़ी ई की मात्रा के शब्द तीन अक्षर वाले, और करेंगे कैसे? चित्र के साथ। चित्र देखकर हमने लिखना है। तो बताइए ये क्या है, बताओ? पिक्चर देखो, किसकी पिक्चर लग रही है? ये खट्टी खट्टी होती है। यस, इमली। ई, अब देखो, ई, ई से इमली वाला ई मात्रा नहीं है इसमें, ई म ली। देखो ऐसे लिखेंगे हम, ई लिखा म ली, इमली। क्या बन गया? इमली, करेक्ट। कौन सा फल है ये? यस, पपीता। दो मात्रा आ गई, इधर मात्रा नहीं थी, इधर ई म ली, तो ई छोटी ई म ली, ल पे बड़ी की मात्रा लगी तो बन गया इमली। अब है पपीता। देखो हमने लिखा प, सिंपल प, कोई मात्रा नहीं। नेक्स्ट लिखा पी, और अगला है ता, ता आ, मुंह खुल गया, आ की मात्रा आ गई, प पी ता। देखो मात्रा कितनी आसान है, सोचोगे समझोगे तो बहुत आसान लगेगी। अब हमने प लिखा, प कोई मात्रा नहीं है, सिंपल प। पी, पहले ई ऊंची आवाज लग रही है ना, तो बड़ी की मात्रा। ता, तो ता कौन सी मात्रा? आ की मात्रा। प पीता, ये क्या है? ये कोई फल नहीं है, ये है जिससे मम्मी खाना बनाती है। यस, कड़छी। क्या है देखो, क अड़ा, और फिर लिखेंगे हम छ को बड़ी की मात्रा लगाएंगे, क्या बन गया? कड़छी। छी गंदा वाला, छी ऐसा नहीं, कड़छी, ठीक है? ये क्या है? ये पिक्चर आपको समझ आ रही है, क्योंकि इसमें कलर नहीं किया हुआ ना, तो आपको शायद समझ ना आए। ये है ककड़ी। क्या है? ककड़ी। देखो कैसे लिखेंगे, क क, और फिर लिखेंगे री, क्या बन गया? ककड़ी। अभी सर्दियां आने वाली हैं, ककड़ी आएगी आराम से सैलेड में, खाना बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। इसको तो सब जानते हो, है ना? तितली उड़ी, ये वही है तितली, ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई। इसको, अच्छा ये देखने में बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लगती है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी। आपने सिर्फ दिमाग लगाना है कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लग रही है। ती, त, ली, त को छोटी की मात्रा ती, त सिंपल, ल को बड़ी की मात्रा ली, ती तली, ठीक है? अब देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, त को छोटी की मात्रा, फिर त, और ल को लगाएंगे बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया? तितली, ठीक है? अगला क्या है, क्या लग रहा है अगला? यस, लकड़ी। ल क ड़ी, ल को बड़ी की मात्रा, ठीक है? आप देखो इसको लिखेंगे कैसे, ल क, और अड़ को लगाएंगे बड़ी की मात्रा, क्या बन गया? लकड़ी, ठीक है? अब इसको हम एक बार रिवाइज करें, क्या है? चलिए पिक्चर देखी, इमली लिखा कैसे, ई छोटी ई म ल को बड़ी ई की मात्रा, ई मली, बोलना भी आपने ऐसे ही है, प पी ता,
प, प को बड़ी की मात्रा, पी, त को आ की मात्रा लगेगी, तो क्या बनेगा? पपीता। ठीक है, नेक्स्ट है कड़छी। क, ड, छ को बड़ी की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? कड़छी। यस, कुकिंग वाली। अगला है क, क, ड को बड़ी की मात्रा लगी, डी, क, कड़ी, क, कड़ी, क्या बना? क, कड़ी। नेक्स्ट है ती, त, ली, ती, त, ली, ती, त, ली। अब ल, क, ड को बड़ी की मात्रा, ल, कड़ी, क्या बनाया? ल, कड़ी, लकड़ी। ये शब्द जो भी हैं आप कैसे करेंगे, आपको जैसे मैम करा रही है ना, बिल्कुल वैसे करना है। ऐसे ही बोल बोल के, जोड़ जोड़ के पढ़ना है, फिर 2 times आप इसको रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे, और लिखते टाइम भी क्या करेंगे? बोल बोल कर लिखेंगे। बार बार एक ही बात मैम बोल रही है, कुछ करो ना करो पर रीडिंग मैक्सिमम करो, चाहे वो हिंदी की रीडिंग है, चाहे वो इंग्लिश की रीडिंग है, रीडिंग करनी है। ठीक है, हर वीडियो में मैम आपको यही बात बोलती है, मैक्सिमम रीडिंग करनी है। तो अब हम ऐसे ही पिक्चर बनाएंगे और ऐसे ही बोल बोल कर लिखेंगे, जैसे कि हमने 2 अक्षर वाले बड़ी की मात्रा में किया था। इससे क्या होगा, एक तो आप आराम आराम से लिखेंगे, हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल लिखेंगे, दूसरा पिक्चर बनाएंगे, ड्राइंग ब्यूटीफुल हो जाएगी। उसको कलर भी कर सकते हैं, ये जो पिक्चर बना रहे हैं इसको आप ब्यूटीफुल कलर भी कर सकते हैं, इससे आपकी नोटबुक और ब्यूटीफुल हो जाएगी, और जब हम बोल बोल कर लिखेंगे तो हमारी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो बस आपने करना क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग एंड ड्राइंग एंड कलरिंग, फुल मस्ती। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।